निम्न गुणनखंड में ए बी सी और डी का मान ज्ञात करें। चलिए देखिए, पहले डी से शुरू करते हैं। तो डी का मान क्या हो जाएगा, 7 और गुना में 11, इन दोनों का गुणनफल के बराबर हो जाएगा, 77 आ जाएगा। फिर उसके बाद सी की बात करेंगे, तो डी का मान अभी हमने क्या निकाला है, 77 निकाला है ना जी, तो सी बराबर में हो जाएगा 5 गुना में 77, यानी आ जाएगा 385। ठीक है, चलिए अब उसके बाद अगर हम ये आपका 385 आ गया, तो अब अगर हमें बी का मान निकालना, तो बी बराबर में 3 गुना 385, तो आ जाएगा यहाँ 1155। तो यहाँ पर हमें बी का मान कितना मिल गया, 1155। और फिर हमें ए का निकालना है, तो 2 गुना में 1155 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 2310, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, ए बी सी डी हमने निकाल दिया। अगला क्वेश्चन है।